अलैक्म दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपनी बाइक का ऑयल चेंज करने लगा हूँ। मैं यामाहा लूप से लिक्विड मॉली पे शिफ्ट हो रहा हूँ, तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आराम से आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। तो चलते हैं, ऑयल चेंज करते हैं। रिव्यू मैं इसका बाद में दूंगा कि इसकी माइलेज और इसका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है। तो चले पहले ऑयल चेंज करते हैं। तो गाइस, हम ये अपना DIY ऑयल निकालने के लिए हम बना रहे हैं और इसके अंदर हम ऑयल जमा करेंगे। भाई भी यार, मैं बस ये एक ही नट है, इसको खोलना है और हमारा ऑयल बाहर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बाइक का झुकाया हमने, सारा ऑयल निकालेंगे, सारा ऑयल ड्रेन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ऑयल जो पड़ा हुआ है वो भी है यामाहा लूप का 10-40। उनके पास 20-50 नहीं था, लास्ट टाइम मैंने 10-40 डलवाया था। तो अब मैं यामा लूप से शिफ्ट कर रहा हूँ लिक्विड मॉली में। तो चलें इसको खाली करते हैं, फिर डालते हैं। तो ये है हमारा ऑयल लिक्विड मॉली 20W50। तो आज हम इस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या डिफरेंस आया है। अच्छा जी, मेरी बाइक हुई है 7300। तो 7300 के बाद मैं यामाहा से लिक्विड मॉली पे शिफ्ट हो गया हूँ। और ये ऑयल कहता है कि 2000 किलोमीटर की माइलेज है, तो लेकिन देखते हैं इसकी कितनी माइलेज है और क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, ऑयल सारा ड्रेन हो गया है, बस ये हल्की हल्की। चलिए जी, ऑयल डालते हैं। अच्छा है, इसके अंदर ये ज़्यादा फ़ायदा है कि इसके अंदर आपको ये पाइप मिलता है, तो आपको फनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली आप इससे पोर कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल हमारा हो गया जी। ऑयल हमारा डाल लिया हमने, अब हम इसको एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कितना है।